बड़ी खबर आ रही है सीधी से, जहां अपना परिचय को बता दी। चार दिन से सीधी माँ खुशखबरी के दौर जारी है। सीधी माँ इकोठे नहीं मिले ही कोरोना संक्रमित 16 लोगन के, भर्ती मरीजन के सीधी में चल रहा है उपचार। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के, जो ने अपना पंचन बताया दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि सोमवार रात्रि 12 बजे तक कुल 881 सैंपल जाँच की टीम भेजे गए रहे, जौने माँ 818 लोगों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई ही, जौने माँ कौनो व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। सीएमएचओ के द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्ति के स्वस्थ होने के बाद जो है सोमवार का चार लोगों का डिस्चार्ज किया, सबे का अपने घर में अबे एक सप्ताह जो है एहतियात बरते के साथ साथ जो है प्रदान किए गए दवा सेवन की सलाह दी गई है। साथ में सामाजिक दूरी, मास्क के उपयोग, बार बार जो है हाथ धोबत जैसा सावधानी रखे के समझाइश दी गई है। अब तक जिला में जो है कुल 9216 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 9113 व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिला में कुल 16 एक्टिव केस है और जिला में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण जो है 87 है। तो अपना पंचायत बता दी कि यह सीधी खेती बेहद बेहतर खबर है और अपना पंचायत जैसे कि जानते हैं कि अब लॉकडाउन जो है 16 तारीख के सुबह 6 बजे तक रहा, अब वह लॉकडाउन खुल चुका है। यह लॉकडाउन माँ साफ तौर माँ खोले की है एक दिशा निर्देश है कि अभी जो है हमारा अपना के खतरा खत्म नहीं भाए, अभी हमका मास्क लगावे के पड़ी, सामाजिक दूरी के पालन करे के पड़ी और सबसे जरूरी जो कि हाथ जो है नियमित रूप से सैनिटाइजर साबुन से धोबत रहे के पड़ी। कहे कि यह निशोचपन जो हुई वह अपना और हमारे सीधी खेती बेहद खतरनाक हुई। कहे कि जैसे रीवा सीधी की बात छोड़ा जाए यदि तो रीवा, सतना, सिगरौली हर जगह का खोल दिन का है, वह तारतम्य अब सीधी माँ बस चली, सीधी माँ बाजार हाट खुल गई, किंतु जिम्मेदारी हम आप चन के अब बेहद बड़ी हो जी कि यदि अपना ग्राहक का है तो अपनों को ध्यान देकर पड़ी कि बिना मास्क लगाए अपना बजर ही करे न जाई, और दुकानदार आहन तो दुकानदारन का जिम्मेदारी हुई कि ग्राहक जो है एक एक कई के अंदर आवे, उठे भीड़ न लागे चाहिए, बाहर जो है गोला बनाए के रखे जाए, जोने से लोगन का प्रवेश दीन जाए। तो कुल मिलाए कि यह है कि नियमन के पालन करब तब जो है ये कोरोना से आगामी दिनों में सीधी पूरी तरह से मुक्त हो पाई, नहीं तबे तो तीसर लहर तो उबे नहीं भय, और तीसर लहर सबसे ज़्यादा बच्चन को प्रभावित करी। अपनों जानी थे कि बच्चन के साथ यदि कोनो में के दिक्कत हुई तो हर माँ बाप पूरा घर परेशान हो जाते, तो वह हाल है तो वो बच्चन के सुरक्षा खातिर हमका अपना का एहतियात ज़्यादा बरते के पड़ी। वैक्सीन ये पूरे दौर में सबसे बड़ी जो है रामबाण है और यह वैक्सीन का जरूर लगवाई, लोगन का प्रेरित करी कि वो लगवा में, कहे कि वैक्सीन से लगभग ये मान के चली 90% तक कोरोना के खतरा कम हो सकत है। यदि कोरोना होता हो है तो इतना गंभीर नहीं हो कि मौत की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर यह समझे की जरूरत थी कि सीधी अब कोरोना से मुक्ति की ओर है। अब जो है सीधी में ढील प्रदान की जा अल्लाह ही, तब समझी कि यह ढील के नाजायज फायदा ना उठाऊ, नहीं था अपना खेतिर यह बेहद खतरनाक हो सकत है, सीधी खेतिर बेहद खतरनाक हो सकत है। अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।